हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेब्स किचन। आज हम वेजिटेबल मैक्रोनी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, जो सबको बहुत पसंद आती है। आप इसे सुबह, शाम या दोपहर किसी भी समय बना सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। चलिए तो इस यमी, टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैक्रोनी लिए है, 400 ग्राम मैक्रोनी है। एक आलू लिया है, उसको भी काट लिया है। 3-4 प्याज लिए हैं, उनको भी बारीक काट लिया है लंबा लंबा करके। 3-4 टमाटर लिए हैं, उनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़े से हरे मटर लिए हैं। 2 शिमला मिर्च ली है, उनको भी इस तरह से बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है। 1 बड़ी गाजर ली है, उसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। 2-3 मैंने हरी मिर्च ली है, उनको भी लंबा लंबा काट लिया है। सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, पैन भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर पानी डालते हैं। पानी आपने खुला डालना है, जिससे हमारी मैक्रोनी अच्छे से खुल जाए। पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। आधा चम्मच नमक डालते हैं पानी में। 1 चम्मच तेल का डालें। पानी को बॉईल आने देंगे, फिर मैक्रोनी डालेंगे। उसके बाद ये पानी में बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर मैक्रोनी डाल देते हैं। जो ये आलू काटा है, ये भी इसके अंदर ही डाल देते हैं। इसे हिला लेते हैं। अब इसको एक बॉईल आने देते हैं, फिर हम गैस को स्लो कर देंगे। हमने मैक्रोनी को बॉईल करने रख दिया है, साथ में हम तड़का लगा देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, 4 चम्मच तेल के। देखिए मैक्रोनी में बॉईल आ गया है। अब हम गैस को स्लो कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जो ये मिर्ची बारीक काटी है उसको डाल देंगे। छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने कद्दूकस किया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 3-4 प्याज बारीक कटे हुए इसके अंदर डाल देते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक होने देंगे इसको। गैस को फुल फ्लेम पे ही रखा हुआ मैंने अभी। देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, छोटा चम्मच लाल कश्मीरी पाउडर, आधा चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि हमने मैक्रोनी में भी डाला है नमक पहले उबलते समय। अब मसाले को अच्छे से होने देंगे। सारा मसाला अच्छे से हो गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम ये वेजिटेबल्स डालते हैं। मटर डाल दिए मैंने, ये शिमला मिर्ची डाल दी, ये गाजर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वेजिटेबल को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखेंगे इनको। गैस को यहाँ पे मीडियम कर देते हैं। देखिए हमारी मैक्रोनी अच्छे से हो गई है, बस इतनी कमी है, ज्यादा नहीं इसको पकाना है हमने। और गैस बंद कर देते हैं। अब इसको छन्नी में छान लेते हैं। मैंने 2-3 मिनट मीडियम गैस पे सब्जी को होने दिया है। अब इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारी मैक्रोनी एकदम खिली खिली बनी है। 2 चम्मच में टमाटो सॉस के डाल रही हूँ यहाँ पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। 1/2 चम्मच सेजवन सॉस का डाल रही हूँ। इसकी जगह आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। 1 चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ। 1 चम्मच सिरका डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं पिज्जा टच देने के लिए इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ ऑरिगेनो।
देखिए हमारी मैक्रोनी कितनी अच्छी बनी है, कितनी सुंदर लग रही है देखने में, कितना अच्छा कलर आया है इसका। हमारी मैक्रोनी अच्छे से रेडी हो गई है, अब गैस बंद कर देते हैं, अब इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए तो हमारी मैक्रोनी कितनी दानेदार और खिली खिली बनी है। मैक्रोनी बनाने के लिए जो वेजिटेबल हमने डाली है वो आसानी से हर घर में उपलब्ध होती है। अगर आपको मेरी ये इजी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।